सर्दियों में हिल स्टेशन घूमने का मजा ही कुछ अलग रहता है। मैं निकली हूँ महाराष्ट्र के फेमस हिल स्टेशन महाबलेश्वर के लिए। रोड ट्रिप की एक चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, वो है हाईवे के फूड मॉल्स। इस फूड मॉल में मैं पहले भी आ चुकी हूँ और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फूड स्टॉल दिखेंगे, जैसे कि मैकडोनल्ड्स, स्टारबक्स, चार्ट्स, साउथ इंडियन ड्राई फ्रूट्स, इंपोर्टेड चॉकलेट जूसेस, पिज़्ज़ा, बर्गर और बहुत ही कुछ। मैंने यहाँ पर ऑर्डर किया है मसाला डोसा और छोले भटूरे, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और फ्रेश थे। उसके बाद हम निकल पड़े हमारे डेस्टिनेशन प्लेस की तरफ। आफ्टरनून 12:30 के आसपास हम अपने होटल पहुंच चुके थे। ये होटल मार्केट से बहुत ही ज़्यादा पास था और ये होटल इतना ज़्यादा सुंदर, इतना पीसफुल था कि मन कर रहा था कि बस 3 दिन यहीं बैठकर निकाल दें। रूम के बाहर आपको सीधा एक बड़ा सा माउंटेन व्यू देखने मिल रहा है, तो चलिए मैं आपको इसका इनसाइड व्यू भी दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये इनसाइड व्यू मैंने चेक इन करते समय लिया था, और जो अंदर आपको बाथरूम व्यू है वो मैंने नेक्स्ट डे इवनिंग लिया था, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि बाथरूम के अंदर भी एक कर्टन है जहाँ से आप अच्छे से नज़ारे देखते हुए शावर ले सकते हैं। ये बाथरूम वाला भी क्लिप मैंने नेक्स्ट डे इवनिंग में लिया था। आप देख ही सकते हैं कि सामने मेरी गुड़िया सो रही है और वहाँ पर इवनिंग हो चुका है। ये बाथरूम वाला सीन होने के बाद मैंने वहाँ पे डायरेक्ट वो क्लिप ऐड किया जो कि मैंने चेक इन करते समय लिया था। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ का आउटसाइड व्यू कितना ड्रीमी और कितना सुंदर लग रहा है। वैसे तो ये होटल काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, बट माउंटेन व्यू के लिए यहाँ सिर्फ 3 ही रूम्स हैं जिनकी बुकिंग आपको एडवांस ही करनी पड़ेगी। कुछ घंटे रेस्ट के बाद हम निकल पड़े थे महाबलेश्वर की कुछ मार्केट एक्सप्लोर करने, जहां हमने काफ़ी सारी गेम्स खेली। एंड उसके बाद हमने देखा कि हर शॉप पर स्ट्रॉबेरी क्रीम्स और वायरल पोटैटोस की स्टिक मिल रही थी, जिसे हम ट्विस्ट आलू भी कहते हैं। मैंने और मेरी सिस्टर ने वो ट्राई किया तो बहुत ही अच्छा था। उसके बाद हम निकल पड़े थे सनसेट पॉइंट के लिए। बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से हमें व्यू अच्छे से देखने नहीं मिल पाया था। हॉर्स राइड करके, डिनर करके हम आगे थे अपने सीधा होटल। तो आज है महाबलेश्वर का डे 2। हम अपनी चाय और ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे हैं इस अच्छे से व्यू के साथ में। यहाँ पर सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, तो आप मेक श्योर कि आप अपने गर्म कपड़े साथ में कैरी करें अगर आप विंटर्स में आ रहे हैं। तो आज के घूमने की लिस्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो ज़्यादा वेट ना करते हुए हम निकल पड़े थे हमारी फर्स्ट प्लेस, जो कि है पंचगंगा मंदिर। काफ़ी फेमस मंदिर है महाबलेश्वर में। यहाँ आपको 5 गंगाओं का पानी एक साथ आते हुए दिखेगा। अंदर वीडियोस और फोटोज़ अलाउड नहीं थे, तो मैंने ज़्यादा कुछ कैप्चर नहीं कर पाई हूँ। मंदिर के ठीक बाहर ही आपको एक छोटा सा मार्केट लेन दिखेगा, जहाँ से आप फ्रूट चार्ट्स, वुडन टॉयट्स, कैंडीज वगैरह परचेस कर सकते हैं। उसके बाद हम निकल पड़े हमारे नेक्स्ट स्टॉप, जो कि है एलिफेंटा पॉइंट, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। बट एलिफेंटा पॉइंट पर रुककर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप वो पॉइंट पर रुके हुए हैं, ये व्यू आपको सिर्फ दूसरे पॉइंट से ही दिखाई देगा। लॉर्डविक पॉइंट और एलिफेंटा पॉइंट दोनों एक ही रूट पे है। लॉर्डविक पॉइंट कुछ इस तरह दिखता है, जो कि छोटा सा ही पॉइंट है, बट एलिफेंटा पॉइंट के लिए आपको 1/2 आवर वॉक करना पड़ेगा। महाबलेश्वर के रास्तों में आपको ऐसे काफ़ी सारे स्ट्रॉबेरी फार्म्स देखने मिल सकते हैं, आप चाहे तो एक बार वो भी एक्सप्लोर कर लीजिए। काफ़ी फार्म्स में आपको वो अलाउ करते हैं कि आप खुद से स्ट्रॉबेरीज पिक करके परचेस कर सकते हैं, बट पिक करने के आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं, क्योंकि ज़्यादा नहीं, कुछ 100 रुपीज़ ही रहेगा। स्ट्रॉबेरी फार्म्स के साथ साथ आपको गो कार्टिंग भी हर जगह पर देखने मिल जाएगी। ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, काफ़ी अच्छा लगा, बट 600 सिर्फ 2 छोटे राउंड्स के लिए मुझे बहुत ज़्यादा लगे। तो उसके बाद हम आ चुके हैं महाबलेश्वर की फेमस स्पॉट, जो कि है मैप्रो गार्डन। मुझे अब भी याद है जब मैं लास्ट टाइम मैप्रो आई थी तभी ये बिल्कुल ऐसा नहीं दिखता था। मैप्रो अभी काफ़ी यूज, काफ़ी ब्यूटीफुल बन चुका है। हर जगह आपको कलरफुल फ्लावर्स, स्ट्रॉबेरी के फोटो बूथ दिखेंगे। अगर आप मैप्रो आ रहे हैं तो मैप्रो की स्ट्रॉबेरी क्रीम एक बार ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा फेमस है यहाँ पर और बहुत ही डिलीशियस। उसके साथ ही हमने पिज़्ज़ा और सैंडविचेस भी मंगवाए थे, बट स्ट्रॉबेरी क्रीम काफ़ी बेस्ट था। उसके बाद आप यहाँ पर मैप्रो में ही मिनी मॉल है मैप्रो का ही, जहाँ पर मैप्रो के ही ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि चॉकलेट्स, जूसेस, मॉकटेल्स, कॉकटेल्स और बहुत ही कुछ, कैंडीज वगैरह। और यहाँ का बेस्ट पार्ट मुझे ये लगता है कि आप यहाँ पे कोई भी चीज़ परचेस करने से पहले आप उनका ट्रायल ले सकते हैं, ताकि आप इजीली सेलेक्ट कर सकें कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा नहीं।
शाम होते होते जब हम होटल पहुँचे तो हमने देखा कि सनसेट पॉइंट से भी ज़्यादा अच्छा सनसेट व्यू तो हमारी होटल से ही दिख रहा था। काफ़ी अच्छा व्यू था। ये व्यू एंजॉय करने के बाद हम गए थे महाबलेश्वर की शॉपिंग मार्केट शॉपिंग करने, जिसकी फुटेज अब मुझसे डिलीट हो चुकी है। रात के समय वहाँ पर ठंड बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी, तो मार्केट के बाद सीधा डिनर करके हम आ गए थे अपनी होटल। तो आज है डे 3। इस ब्यूटीफुल सी प्रॉपर्टी में हमारा लास्ट डे। अर्ली मॉर्निंग उठ चुके थे ताकि इस होटल के व्यू का भी थोड़ा एंजॉय लिया जाए। उसके बाद हम जल्दी से रेडी हो गए थे क्योंकि 11 बजे हमें चेकआउट भी करना था। ब्रेकफास्ट हमने बाहर ही कर लिया था। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल पड़े थे हमारी फर्स्ट प्लेस जो कि थी वैना लेक। वैना लेक बहुत ही फेमस है बोटिंग्स के लिए। बहुत ही पीसफुल और ब्यूटीफुल सी लोकेशन है। वैना लेक के बाजू में ही आपको हॉर्स राइडिंग भी दिखेगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैंने वैना लेक में फैमिली के साथ बोटिंग की थी। वैसे बोटिंग मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, बट यहाँ पर 1 आवर कब हो गया था बिल्कुल भी पता नहीं चला, क्योंकि जो बोट वाले अंकल थे वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही जॉली नेचर के थे। उन्होंने हमको काफ़ी सारी महाबलेश्वर की हिस्ट्री स्टोरीज एंड शूटिंग्स के वगैरह में बताया था कि यहाँ पर किस सॉन्ग की शूटिंग हो चुकी है, किस सेलिब्रिटी का यहाँ पर फार्म हाउस है। तो उसमें काफ़ी अच्छा इन्जॉयमेंट हो गया था हमारा 1 आवर तक। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी बोटिंग रही थी ये हम सब की। सबको बहुत ही अच्छा लगा था, बहुत ही अच्छा इन्जॉयमेंट हुआ यहाँ पर हमारा। अगर आप यहाँ पर दिन में आ रहे हैं और उस समय धूप बहुत ज़्यादा ही है, तो मेक श्योर कि आप अपनी जो बोट हायर करें उसके ऊपर रूफ हो ताकि आपको धूप ना लगे। क्योंकि जिन लोगों ने भी बिना विदाउट रूफ वाली बोट हायर की थी वो लोग आधे में से ही रिटर्न चले गए थे क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज थी उस समय। वैना लेक के बाद हमें और भी 2-3 प्लेसेस एक्सप्लोर करनी थी जो हम नहीं कर पाए क्योंकि हमें जल्द से जल्द घर भी पहुँचना था। रोड ट्रिप थी और रूट भी काफ़ी बड़ा था, तो हमने यहीं से महाबलेश्वर को टाटा बाय बाय कर दिया। तो मुझे बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। टिल देन के लिए मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।